2024 लोकसभा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। शाम को जो विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA को 295 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन शाम ढलते ढलते जब दर्शकों ने टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल देखा तो खड़गे के दावों की हवा निकलती दिखाई दी। बीजेपी अब की बार फिर सत्ता में आती दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। न्यूज 18 पोल हब में जो आंकड़े आपको दिखाएंगे उसके पहले बता दें कि न्यूज 18 इंडिया पोल हब का एग्जिट पोल किन आंकड़ों पर आधारित है। 21 बड़े राज्यों में एग्जिट पोल किया गया। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 95% सीटें हैं। इन 21 राज्यों में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और इस तरह सातों चरणों के मतदान के दौरान 95,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। ये सैंपल बता रहे हैं कि एनडीए की राह निष्कंटक है। जहां दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी पहली बार खाता खोलती दिख रही है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों का गणित बता रहा है कि बीजेपी बंपर जीत हासिल करने वाली है। हालांकि असली नतीजों के लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं कुल मिलाकर, और इनमें बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में यूपी की 68 से 71 सीटें आ सकती है। यूपी में कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन को 9 से 12 सीटें हासिल हो सकती हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी की जीत दिल्ली का रास्ता क्लियर कर रही है। बिहार में जहां नीतीश कुमार के JDU के साथ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए लड़ा, वहीं एनडीए की सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बिहार में एनडीए को 31 से 34 सीटें मिल सकती है और INDIA गठबंधन के खाते में 6 से 9 सीटें जा सकती है। हिंदी पट्टी का एक और बड़ा राज्य जहां बीजेपी पिछले 2 बार से बंपर जीत हासिल कर रही है, उसका एग्जिट पोल देखें तो अब की बार MP में एनडीए फिर से बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यहां 26 से 29 सीटें मिल सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराकर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और अब लोकसभा में भी बीजेपी वही जीत रिपीट कर रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां एनडीए 9 से 11 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, जबकि INDIA गठबंधन को यहां 0 से 2 सीटें हासिल हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही गुजरात में नतीजे दिख रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के सामने कोई पार्टी ठहरती नहीं दिखाई दे रही। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि यहां लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक ये 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। गुजरात की जीत उस गुजरात मॉडल पर मुहर है जहां से PM मोदी की लोकसभा चुनावों में जीत की शुरुआत हुई थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी लड़ी और कांग्रेस ने भी खूब ताल ठोके, लेकिन एग्जिट पोल में ये दोनों पार्टियां धराशायी होती दिख रही हैं। लेकिन राजस्थान में एनडीए को अब की बार घाटा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव में गणित बदलता दिख रहा है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 18 से 23 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां से 2 से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। क्लीन स्वीप किया था पिछली 2 बारी और इस बार 18 से 23 सीटें यहां पर। हिंदी पट्टी के 2 और राज्यों का एग्जिट पोल बता रहा है कि उसके सामने इंडिया गठबंधन कहीं नहीं टिकता।
9 में से 9 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है, सुपड़ा साफ यहाँ पर एक सीट का फायदा। यानी अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोकसभा की 9 सीटें हैं। इन दोनों राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और बड़ा राज्य जिसमें एग्जिट पोल के मुताबिक कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां शिवसेना भी टूटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी थी और एनसीपी भी दो फाड़ होने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव लड़ती दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 20 से 23 सीटें जीत सकती है और कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 32 से 35 सीटें आ सकती है। कांग्रेस को 6 से 9 सीटें यहां मिल सकती है और INDIA गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र में 15 से 18 सीटें आने का अनुमान है। पंजाब में एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले दिख रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी जो दावा कर रही है कि उसकी सीटें देखकर लोग हिल जाएंगे, वो सिमटती दिख रही है। तो आप एक आम आदमी पार्टी का एक, अकाली दल शून्य, अ बिग सेटबैक फॉर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बहुत बहुत बड़ा गेन। लास्ट टाइम भी एट थी, यानी कांग्रेस ने गेम कर दिया आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली में अलायंस कर दिया और पंजाब में साफ कर दिया। दिल्ली में हाफ सीटें दी और पंजाब में साफ कर दिया। एग्जैक्टली, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मुलायम सिंह यादव, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ लालू प्रसाद यादव। इन सब ने भी यही करा था कांग्रेस पार्टी के साथ। इन्होंने उत्तर प्रदेश में समझौते करे कांग्रेस पार्टी के साथ, बिहार में कांग्रेस के साथ समझौता करा और इस बारी आम आदमी पार्टी के साथ गेम कर दिया। कांग्रेस ने रिवेंज लिया है जो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने इन कांग्रेस के साथ करा था, वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ करा है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को एग्जैक्ट नतीजे पता लगेंगे, लेकिन 2 से 4 नंबर बीजेपी, यानी बीजेपी वहां लुधियाना में फाइट में है, होशियारपुर में फाइट में है, गुरदासपुर में फाइट में है, ये 3 सीटों में तो फाइट में है, इसमें चंडीगढ़ इंक्लूडेड नहीं है। चंडीगढ़ बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जा रही है, अच्छा वोट शेयर रहेगा, लेकिन वहां आप और कांग्रेस अलायंस। हरियाणा में बीजेपी की सीटें अब की बार कम होती दिख रही हैं। हरियाणा में बीजेपी अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को दोहराती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी की सीटें उतनी भी कम होती नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा का नंबर 5 से 7 सीटें कांग्रेस 3 से 5 सीटें लेती नजर आ रही है, 11 सीटें कुल है, 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इंटरेस्टिंग है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है बीजेपी को। हरियाणा में लास्ट टाइम 10 की 10 थी, इस बार 5 से 7 हो रही है और कांग्रेस +3 से +5 कर रही है वहां पर। लेकिन वहां पर सिरसा फाइट है, वहां पर रोहतक फाइट है, वहां पर एक और सीट है जहां पर तगड़ी फाइट दिखाई दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़कर देखें तो एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन और एनडीए को बराबर जीत का भागीदार बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब उन राज्यों का एग्जिट पोल देखना भी बहुत जरूरी है जहां बीजेपी बाजी पलटती दिखाई दे रही है, और इन राज्यों में है पश्चिम बंगाल और ओडिशा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल देखिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, यहां बीजेपी 21 से 24 सीटें जीत सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को भी इतनी ही 21 से 24 सीटें मिल सकती है, जबकि यहां TMC 21 से 24 सीटें जीत सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में सीन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने से कितना असर हुआ एग्जिट पोल में ये देखिए। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, यहां एनडीए के खाते में 9 से 12 सीटें आ सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। इसी तरह ओडिशा में बीजेपी अब की बार जबरदस्त फाइट में दिखी। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी यहां 13 से 15 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य को जिनमें बीजू जनता दल भी शामिल है उसे 6 से 8 सीटें मिल सकती है ओडिशा में। 4 जून के पहले एग्जिट पोल ने तो क्लियर कर दिया
कि दिल्ली की गद्दी एक बार फिर से एनडीए के हिस्से में जाती दिखाई दे रही है और ये एग्जिट पोल अगर एग्जिट पोल में बदला तो मोदी देश में इतिहास रचने वाले वो सियासी सूरमा कहलाएंगे जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्ने में अपनी अमिट गाथा अंकित कर दी है। दक्षिण भारत से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। न्यूज 18 पोल हब का एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी ने केरल और तमिलनाडु में बड़ा करिश्मा कर दिखाया है, लेकिन एक बड़ी खबर कर्नाटक से भी। दक्षिण भारत की 131 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसे 2024 चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 45 घंटे का ध्यान कर रहे थे और दूसरी ओर आखिरी दौर की वोटिंग के साथ बीजेपी के लिए दक्षिण भारत से कमाल की खबर देश भर की टीवी स्क्रीन पर छाने जा रही थी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन पांचों राज्यों में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दक्षिण की 131 सीटों पर एनडीए को 51 से 54 सीट मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 64 से 67 सीट मिल रही हैं, जबकि अन्य दलों को 14 से 17 सीट मिल रही हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा करिश्मा तमिलनाडु और केरल में होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तमिलनाडु में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुलने जा रहा है। आपसे अगर मैं बताऊं, इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु, पुडुचेरी 40 सीटें मिला लीजिए, 36 से 39 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 रैलियां की। चुनाव से पहले उन्होंने कई दौरे भी किए और इसका रिजल्ट 4 जून को तमिलनाडु के फैसले में नजर आ सकता है। यही न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट में देखा जा रहा है। तमिलनाडु के बाद देखिए केरल से भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। केरल में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 रैलियां की हैं। वहां पर ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के लिए आएगी, लेकिन 1 से 3 अगर एनडीए को जा रही है केरल में तो ये बड़ी बात है। 1 से 1 सीट यानी कि मिनिमम एग्जिट पोल दे ही रहा है। वो जो बात आप कह रहे थे कि मान लीजिए ऊपर की तरफ उत्तरी भारत में आप जहां जहां नुकसान पा रहे हैं वहां भरपाई जो है 1-2 सीटों में ही सही, आप यहां साउथ की तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भरपाई कहिए या ये खाता खोलना कहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है बीजेपी। लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है तमिलनाडु में, केरल में, और अगर खाता खुलता है, अब ये केरल में अगर 1 से 3 सीटें आती हैं जैसे तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, ये वाली सीटें जहां पर उम्मीद थी इनको, अगर वो सीटें आती हैं तो ये बड़ी बात हो जाएगी बीजेपी के लिए। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है और ये बीजेपी के लिए वाकई चमत्कार वाली बात है। ये इसलिए क्योंकि इन दोनों राज्यों की राजनीति में बीजेपी लंबे संघर्ष के बावजूद जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन वोटों को सीट में तब्दील करने में नाकाम रही है। पूरे भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री ने पिछले 5 महीनों में कम से कम 181 रैलियां की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु का लगातार दौरा किया। इन 181 रैलियों में वो प्रधानमंत्री के रोड शो, बाकी इवेंट्स और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए किए गए दौरे शामिल नहीं हैं। अगर इनको भी शामिल कर दिया जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी ने दक्षिण के चुनाव प्रचार में कितनी मेहनत की है। खासकर केरल और तमिलनाडु में बीजेपी ने बहुत आक्रामक प्रचार किया है। इसका रिजल्ट न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल में साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखिए तेलंगाना में बीजेपी किस तरह बड़ी कामयाबी हासिल करती नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर, 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है, 7 में से 5 से 7, और इंडी गठबंधन जो है वो 1 या 2 सीट जीत सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड एग्जिट पोल का ये नतीजों में कन्वर्ट होता है तो दिल्ली में रिपीट होने जा रहा है लगभग वही सात सीटों का रिपीट होने जा रहे हैं। डिस्पाइट द अलायंस आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करा आम आदमी पार्टी ने, एक बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करा। जिनको गालियां देते थे, जिनको कहते थे भ्रष्टाचारी है, उनके साथ मिलकर चले गए। कांग्रेस ने अपना आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया। पंजाब में कांग्रेस को इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, ये एग्जिट पोल बताएगा। तेलंगाना में इस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने 8 रैली की थी और जाहिर है कि उसका असर सामने है। अब बारी कर्नाटक की, जहां विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीद थी, लेकिन न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की जोड़ी के बावजूद कांग्रेस बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई।
पिछली मरतबा बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई थी तो 23 से 26 के बीच में यहां पर कर्नाटका में बीजेपी को वोट हासिल सीटें मिल रही है। 51.74 लगभग 52% वोट कर्नाटका में बीजेपी को किशोर मिला था और 28 में से इस बार भी अच्छी खासी यहां पर झोली और दामन भरती हुई जनता बीजेपी का नजर आ रही है। कर्नाटक में इस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने 10 रैली और रोड शो किए और यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण के बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी मजबूत स्थिति में है। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से भी है जहां बीजेपी और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। मैं अजय का आंकड़ा आपको दिख रहा है 231 से 243। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन इंडिया 94 से 106 पीछे रह रहा है काफी। अन्य के खाते में 17 से 24 का नंबर जा रहा है और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन फिर आते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना कितनी टेढ़ी खीर है। वो इसलिए टेढ़ी खीर है कि इस देश के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को भी जब वो वाराणसी एक साल तक नहीं गए थे तो वहां के विधायकों ने पूछ लिया था कि आप एक साल तक क्यों नहीं आए। तो लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है और जनता ही भगवान है। लेकिन विपक्ष की एक बात जो कि इस चुनाव में जरूर बात होगी 4 जून को, और वो होगी कि विपक्ष मोदी से चुनाव लड़ रहा था या विपक्ष मीडिया से चुनाव लड़ रहा था, विपक्ष चुनाव किसके साथ लड़ रहा था, वो महत्वपूर्ण है। अमन चोपड़ा मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं नए डेटा के साथ। अमन चोपड़ा के पास कई सारे नए आंकड़े हैं। अमन, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब जाती तो नजर आ रही है, लेकिन लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई 400 पार की है भाई साहब, लड़ाई 400 की है। जो टारगेट सेट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए, लेकिन इस वक्त जो आंकड़ा है वो 272 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण को लेकर बीजेपी ने शुरू से बड़े दावे किए थे। बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन किया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया और तमिलनाडु में भी गठबंधन के नए साथी जोड़े। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे थे, वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। अब न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल में इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल और उसके रिजल्ट का आधार क्या रहा, इस बारे में एक बार फिर जान लीजिए। करीब करीब 370 क्रॉस होती दिख रही है दिल्ली में। मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी का एक अननेचुरल अलायंस हुआ था उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ एक भी सीट वो जीतने नहीं जा रही। ठीक है, 0 से 2 आप दे रहे हैं, आपके इसमें है, लेकिन वो 0 भी है। अब आइए उत्तराखंड और हिमाचल में स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इस चीज को समझिए, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि इनका जो पूरा का पूरा चुनाव प्लैंक था कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का, वो झूठ पर था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कहते थे आई लव यू, पंजाब पहुंचती कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी को आई हेट यू, यही हालत था बंगाल में, यही हालत था केरल में, और जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी इतनी बार बदली गई है। अभी 150 सीटों का एग्जिट पोल आना बाकी है, इसको समझिए। ये 396 आया है, 543 कुल हैं, अभी भी लगभग 150 सीटों का एग्जिट पोल आना बाकी है और उससे पहले ही 270 भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से मैजिकल फिगर्स। दक्षिण भारत में पहले चरणों में ही वोटिंग हो गई थी, इसीलिए यहां के आंकड़ों को समझने और उसको हर पैमाने पर परखने का वक्त भी ज्यादा मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि दक्षिण के फैसले में सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। चुनाव की शुरुआत से लेकर चुनाव के अंत तक पीएम नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत पर फोकस रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को केरल के थेक्किनकाडु से जो चुनावी बिगुल बजाया वो 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में जाकर थमा। लेकिन अंतिम वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौन साधना कर रहे थे, यानी आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान भी दक्षिण भारत में मौजूद रहे। न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी और जिसका दावा भी बीजेपी इस चुनाव के दौरान कर रही है।